जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय साधना मार्ग में। दोस्तों परमात्मा के अनंत नाम हैं, सब मंगलमय एवं पाप नाशक हैं, उनमें अपार शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन जो साधक उस शक्ति और सामर्थ्य को जानना चाहता है और एक जिज्ञासा लेकर राम नाम का जाप करता है, तो उसकी वो सारी जिज्ञासा राम नाम के जाप से पूरी हो जाती है। कथनानुसार राम नाम में भुवन पावनी शक्ति विराजमान है, जिसके द्वारा प्रारब्ध के खोटे प्रभावों को मिटाया जा सकता है। बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम में 15 शक्तियों का निरूपण किया था, और उन 15 शक्तियों के बारे में उन्होंने अलग-अलग तरीके से विस्तार पूर्वक बताया था। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे जो राम नाम के जाप में 15 दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, वह कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली शक्ति है वह है भुवन पावनी। अगर आपका घर नहीं है या फिर आप बेघर भटक रहे हैं, अगर आप तन मन धन अर्पण करके थोड़े समय में भी आप राम नाम का जाप कर लेते हैं, तो आपको भुवन की प्राप्ति हो जाएगी और आपका घर बन जाएगा। और आपका घर ही नहीं, आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जो दूसरी शक्ति राम नाम के जाप में होती है, सर्व व्याध विनाशिनी। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिससे आप पीड़ित हैं, जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपके व्यापार में आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बहुत से कलयुग के जो पाप हैं उनसे पीड़ित हैं और अपने जीवन से दुखी हैं, अगर आप राम नाम का जाप पूरा तन मन धन लगाकर करते हैं, तो आपकी जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी आपके पाप हैं और जितनी भी आपकी समस्या हैं, वो मूल सहित नष्ट हो जाती हैं। जो तीसरी शक्ति राम नाम के जाप में है, सर्व दुख हारिणी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख होता है, कोई अपने घर में लड़ाई झगड़े से परेशान होता है, किसी की संतान अच्छी नहीं होती, या फिर किसी को बीमारी की परेशानी होती है। बहुत से ऐसे हमारे दैहिक दैविक भौतिक दुख हैं जिनसे निवृत्ति के लिए हम परमात्मा का स्मरण ध्यान करते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुख से ज्यादा ग्रसित हैं, जब आप राम नाम का जाप लेते हैं, जाम राम नाम का जाप करते हैं, तो आपके हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और आपके जीवन में आनंद आता है। कल काल भुजंग नाशिनी, जो चौथी शक्ति राम नाम के जाप में है, कल काल भुजंग नाशिनी। कलयुग के जितने भी पाप हैं और जितनी भी पीड़ाएं हैं, उनसे अगर आप राम नाम का जाप पूरे तन मन धन से करते हैं, तो आप कलयुग के प्रभाव से अपने आप को मुक्त महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जो पांचवी शक्ति है, नरको द्वारिणी। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आप लगातार पूरी जिंदगी में बुरे कर्म करते आए हैं, लेकिन किसी संत का आपके जीवन में प्रादुर्भाव हुआ है, उनकी कृपा से आपके मन में भक्ति उत्पन्न हुई है, तब भी आप पूर्णतः नरक के भागीदार हैं। आपने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं कि आपको नरक में जाना ही पड़ेगा, फिर भी आप अगर राम नाम का जाप तन मन धन से उस समय करते हैं, तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और राम नाम के प्रभाव से आप श्री राम के धाम साकेत धाम में जाएंगे। दोस्तों जो छठवीं शक्ति राम नाम के जाप में होती है, वो होती है प्रारब्ध विनाशिनी। दोस्तों हमारे प्रारब्ध में, हमारे पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में हमने कुछ ऐसे खोटे कर्म किए हुए होते हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, हमें विभिन्न विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ता है और उनसे हमें मुक्ति भी नहीं मिल पाती है। हम लाख प्रयत्न करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिसका भुगतान आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप उस समय भी राम नाम का जाप करते हैं, तो प्रारब्ध के आपके जितने भी खोटे कर्म हुए हैं आपसे, जाने अनजाने में वो सब नष्ट हो जाते हैं और आप श्री राम के
परम भक्त बन जाते हैं और उनके प्रिय बनकर उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों जो सातवीं शक्ति राम नाम के जाप में है वो है सर्व अपराध भंजनी। अगर आपने कोई भी बुरे से बुरा अपराध किया है, आपने जघन्य से जघन्य अपराध किया है, अगर आप तन मन धन से उस अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप राम नाम का जाप जपिए। बस यही एक ऐसा मार्ग है, यही एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो आपके सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं। मेरे राम जी इतने कृपालु हैं कि वह अगर कोई भक्त उनका तन मन धन से नाम स्मरण कर ले, अगर तन मन धन से नहीं, अगर वह काम के वश होकर या फिर लोभ के वश होकर या फिर किसी भी तरह से वह राम नाम का जाप कर ले तो उसके सब अपराधों को वो फल भर में क्षमा कर देते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों जो आठवीं शक्ति राम नाम के जाप में मौजूद है वो है कर्म संपूर्ण कारिणी। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपको उस कर्म के अनुसार आपको उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है और आप मेहनत बहुत करते हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष है, आपके भाग्य में कोई दोष है और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको आपके कर्म का नियमित फल नहीं मिल पाता, तब भी आप राम नाम के एक नाम का सहारा लेकर आप अपने कर्म बंधनों को, आपके जो कर्म के आप कर रहे हैं उसका उस कर्म के अनुसार से कई अधिक ज्यादा आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी कुछ राम नाम की शक्तियां जो कि हमने पूरी नहीं बताई हैं। वैसे तो राम नाम के जाप में 15 भुवन पावनी शक्तियां मौजूद हैं और हमारा जो राम जी का नाम का जाप है वो भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष है। आपको जो चाहिए उसकी तीव्र इच्छा कर कर आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपकी वह इच्छा भी पूरी हो जाती है। अरे इच्छा की तो बात ही छोड़ो, आपकी इच्छा तो पूरी होती ही है, पर आप जब इस लोक से परलोक में जाते हैं तब आपको भगवान श्री राम अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और आपका सहज ही वह उद्धार कर देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योग तपस्या करके अपने आप को कष्ट देकर उन प्रभु का थोड़ा सा दर्शन पाना चाहते हैं, उनकी थोड़ी सी छटा देखना चाहते हैं। वह छटा अगर आप सच्चे दिल से तन मन लगाकर राम नाम का जाप करते हैं और सांसारिक जीवन अपना व्यतीत करके भी जाते हैं तब भी आपको वह परम पद प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ राम नाम के जाप में जो शक्तियां मौजूद होती हैं जो हमारे संतों ने इनका निरूपण किया है, क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव तो खुद किया है बल्कि औरों को भी इनका अनुभव कराया है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम दोस्तों।